बाबा जी की मूर्ति है और धूप बत्ती और थोड़ा प्रसाद चढ़ाया जाता है। पहले 2 घंटों से बाइक पे बैठे बैठे दर्द हो चुका है, स्पाइन में पेन हो चुका है और अब बाबा की गुफा में बाबा जी के जो बाबा जी का रास्ता है उधर जाते जाते ये सारे पत्थर पैरों में चुभ रहे हैं। पैरों में चुभ तो रहे हैं लेकिन पैरों में इतना दर्द नहीं है जैसे कि और नॉर्मल पत्थर चुभता तो दर्द होता है, लेकिन यहाँ पे जितना हम लोग चल रहे हैं तो उतना पैरों में दर्द नहीं हो रहा है। ये शायद बाबा जी की कृपा ही है। देख सकते हैं ये नज़ारा, हम लोग करीबन काफ़ी देर चल रहे हैं, बाबा जी की गुफा के साइड पहुंचने वाले हैं। मेरे साथ एक कमल भाई हैं जिन्होंने बहुत सारी नॉलेज दी इधर, हमारे साथ यही लेकर आए, नहीं तो हम लोग केवल वहाँ खुर के पास वापस चले जाते। इन्होंने बताया कि इधर गुफा है, बहुत सारी चीज़ें उन्होंने बताई हैं। तो ये गुफा किधर है भाई? तो ये गुफा छोटी है बड़ी? छोटी है, ज़्यादा बड़ी नहीं। तो ये अर्जुन चढ़ चुका है बस और ये रही गुफा, छोटी गुफा है, बहुत छोटी गुफा है लेकिन इसमें भी लोग चढ़ के आते हैं, लोग काफी लोग। यहाँ पर केवल बाबा जी की मूर्ति है और धूप बत्ती और थोड़ा प्रसाद चढ़ाया जाता है। ये हाइट दिखाता हूँ आपको, ये यहाँ से ऊपर चढ़ के आना पड़ा। चलते हैं नीचे, इनके नेटवर्क अच्छा आ रहा है तो वीडियो कॉल कर रहे हैं। और ये हम आ चुके हैं नीचे, सारा का सारा पत्थर से भरा हुआ है, पथरीला रास्ता। वो जो बैठा था पुलिस वाला वो कहता ना कच्चा रास्ता है, तो मुझे लगा मिट्टी का रास्ता होगा, कच्चा नहीं पथरीला रास्ता है। तो अब चलते हैं बाहर की तरफ। तो परिक्रमा के लिए पूरा पहाड़ ये पूरा घुमाने पड़ता है यहाँ से, जैसे वहाँ से मंदिर पर चढ़े। हाँ। मंदिर पर चढ़ने के बाद यहाँ परिक्रमा तो हो ही गया। अच्छा। फिर वहाँ एक मंदिर है बाबा मोहन राम का। अच्छा। एग्जिट करते हैं, एग्जिट करने के बाद जहाँ से प्रसाद लिया था वहाँ हेलमेट रखा हुआ है, जूते रखे हैं उनसे लेते हैं, फिर चलते हैं बाइक पे ट्रिप मारते हैं। 2 घंटे की ट्रिप है, मेरी पहली रोड ट्रिप थी जो दिल्ली टू राजस्थान। पत्थरों पे 1 घंटे चलने के बाद फाइनली रोड मिला है, तारकोल वाला, डामर वाला। ये रोड भी अच्छा लग रहा है चलने पे क्योंकि हम लोग नंगे पैर हैं। अब जा रहे हैं परिक्रमा लगाने, हनुमान जी के मंदिर में परिक्रमा लगाएंगे 5, उसके बाद चलते हैं बाबा राम मोहन के मंदिर में। यहाँ से आप देख सकते हो ये रोड से और वो राम मंदिर, यहाँ से लेकर वहाँ तक इतनी भीड़ होती है, इतनी भीड़ होती है दौज के टाइम पे। अभी मतलब महीने में एक दौज तो होती है एकादशी के बाद, तो बहुत भीड़ होती है उस टाइम, बहुत क्राउड आता है। तो बाबा जी के दर्शन हो चुके हैं, बाबा जी के घोड़े के घोड़े देख लिए हैं और गुफा देख ली है। तो अब घर की तरफ चलते हैं वापस।